वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। हालांकि आपको एक पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियोस देखने को मिल गए होंगे, डिफ्रेंसिएशन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। अभी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या कहा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये इस पर बेस्ड एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। वो वीडियो जो आपको देखने को मिला है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का देखने को मिला है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दो वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे। एक वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव बताया गया है क्या होता है, आपके सिलेबस में है नहीं, केवल आपको एज ए इंट्रोडक्शन वो बताया गया है। और यूजिंग डेरिवेटिव के लिए आपको एक दूसरा वीडियो देखने को मिला होगा, मुझे लगता है शायद 2 या 3 मिनट का है, शायद 5 मिनट का होगा, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। उसमें आपको पूरा आउटलाइन चैप्टर का बताया गया है। दैट वीडियो कंटेंस 29 पेजेस का वो एक वीडियो है, तो उसमें आपको पूरा ओवरऑल आउटलाइन मैप देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चन अडॉप्ट करेंगे जिसमें समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए पहले तुमको ग्राफ से बताते हैं और फिर उसके बाद में आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि हमने ये लिया, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो दिस इज नोन एज द पाई बाई टू। ये क्लास 11th में बच्चों को बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाता रहता हूँ और बोलता भी हूँ कि आगे के कुछ टॉपिक्स इसी के थ्रू डिस्कस किए जाएंगे। देन वी गेट द 4π/2, ठीक है बच्चा। ये केवल 0 से 2π को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम ग्राफ को देखें ध्यान से, तो देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये ग्राफ, ये देखो बच्चा, ये ग्रीन कलर से अभी मैंने लिया, ये देखो ग्रीन कलर से लिया, ये ग्राफ इतना क्या था बच्चा, उठ रहा था, मतलब इंक्रीज कर रहा है। पाई बाई टू से देखो ये ग्राफ डिक्रीज करना शुरू करता है और ये गिरना शुरू होता है। तो ये बच्चा, ये देखो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ये बच्चा कहाँ तक, ये देखो यहाँ तक। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ आ रहा होगा, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सेंस किससे है। ये देखो ये लगातार डिक्रीज करता चला जा रहा है और ये डिक्रीज कहाँ तक कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में भी है। हालांकि अभी आपने देखा यहाँ से कि अगर हम पूछते हैं 0 से 2π के बीच में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप बताते हैं 0 से π/2 पर जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो यार, स्लोप जो है वो एक्यूट एंगल पर है, जबकि यहाँ पर देखो जो स्लोप होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ग्राफ एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ में, तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीज कर रहा है, और जब वो ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करेगा तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो बच्चा डिक्रीज कर रहा है। ये क्या रहा कि हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी ग्राफ से हमने ये पता लगा लिया कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसी में एक दूसरा प्रोसेस भी होता है जो कि आपको वीडियो देखने को मिला होगा, जिसमें कि हम ये बता रहे थे कि अगर एक्स में इंक्रीमेंट होने पर, यानी देखो बच्चा यहाँ से देखो, अगर हम एक्स एक्सिस पर बढ़ रहे हैं इस जगह पर आए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या वाई में कुछ इंक्रीमेंट हुआ। फिर देखो हम यहाँ पर एक्स की जगह पर आए तो देखो वाई में इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे हमको वाई में भी कुछ वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे जैसे एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है उसी कंपैरिजन में वाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब क्या है कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है और वाई में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो क्या है बच्चा, डिक्रीज कर रहा है। ये था विदाउट डेरिवेटिव। अब देखो चक्कर क्या है कि ग्राफिकल सोल्यूशन है तो अच्छा है, तो आसान, आपको तो आसानी समझ आ गया, मगर हर ग्राफ को आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स हर फंक्शन को आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं, हर फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको एक इस तरीके के यूनिक मेथड की जरूरत थी जो विदाउट ट्रेसिंग हम अटेम्प्ट ले पाएं। तो बच्चा ये जो अभी आप देख रहे हैं डेरिवेटिव, ये इसी तरीके की एक विद्या है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बगैर ट्रेस के हम ये पता लगा लेते हैं कि ग्राफ अपने किस मैक्सिमम पॉइंट को अचीव करेगा, किस मिनिमम पॉइंट को अचीव करेगा, कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चा यहाँ से हमारी क्लास की शुरुआत होती है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में हमें ओवरऑल 2 तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा उस प्रॉब्लम में एक जो इसका टाइप होगा वो रियल नंबर आर के लिए होगा। किसके लिए होगा? रियल नंबर आर के लिए। और एक जो दूसरा टाइप होगा उसमें आपको कोई एक इंटरवल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, फाइंड द इंटरवल। अब ये जो यहां पर लिखा गया फाइंड द इंटरवल, इसका क्या सेंस है? तो अच्छा इसका सेंस है, इंटरवल का जो सेंस यहां पर है वो इंटरवल का सेंस उस पर्टिकुलर डोमेन से होगा जहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। याद रखना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डोमेन। क्या कहा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डोमेन। डोमेन का नॉलेज होना चाहिए।
तभी यहाँ पर कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। चलो जरा क्वेश्चन को अडॉप्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 मेरी बुक से है पेज नंबर 221, मेरी बुक से है पेज नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2, क्या कहा? एक्सरसाइज 6.2, 6.1 आपके सिलेबस में नहीं है, रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है y = क्या दिया गया है 3x + 17, क्या गया कहा गया y = 3x + 17, ठीक है। अब बच्चा एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार dy/dx, तो dy/dx करने पर क्या मिलता है 3 मिलता है। अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ये डेरिवेटिव के थ्रू डिस्कस किस तरह से किया जाएगा। चलो बच्चा यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइकोटोमिला, क्या कहा ट्राइकोटोमिला, तुम लोग मुझे बताओगे ट्राइकोटोमिला होता क्या है, ये रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ट्राइकोटोमिला आप मुझे बताएंगे ये लॉ क्या होता है, ठीक है, ये होगा आपके लिए होमवर्क। चलिए जरा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को हम लोग डेरिवेटिव से किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो बच्चा देखो अगर अगर हम बात करते हैं dy/dx, यार इधर पे नहीं आ पाएगा, इसको हटाते हैं, फाइंड द इंटरवल, ये इंटरवल के लिए है, ठीक है इंटरवल। यहाँ से बच्चा देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, समझने की बच्चा कोशिश करना। यहाँ से हमने लिया dy/dx इज ग्रेटर देन 0, फिर एक इसी में दूसरा केस बनता है dy/dx इज इक्वल 0, और इसी में एक तीसरा केस बनता है dy/dx इज लेस देन 0। अगर ये केस होता है dy/dx इज ग्रेटर देन 0 तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जबकि ये वाला जो केस होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जबकि ये वाला जो केस होता है इस केस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। अब ये वाला जो केस है इन दोनों को अगर हम कंप्रेस करा देते हैं, अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ग्राफिकल सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ जो है वो लगातार इंक्रीज ही करता चला जा रहा है, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है ग्राफ जो है वो लगातार डिक्रीज ही करता चला जा रहा है ये, और कांस्टेंट फंक्शन मतलब ग्राफ में किसी भी तरह के कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, मतलब वो अभी इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही मतलब मीन्स कुछ इस तरह से ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस देखो कांस्टेंट हो गया, मतलब ये वाली जो लाइन है y = something ए ले लिया तो फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो बच्चा इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ से बच्चा समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम इन दोनों को कंप्रेस करा दें, किसको किसको इसको और इसको, तो हमें एक नया आउटपुट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं dy/dx ग्रेटर इक्वल दोनों आ जाएंगे, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। अब जहां कहीं भी बात करेगा इंक्रीजिंग का तो उसका मतलब होगा वो जीरो भी हो सकता है, वो कहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर हम इन दोनों को कंप्रेस करा देते हैं तो ये बना देता है dy/dx इज लेस और इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो मेरी बात समझ के हमें दो तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होगा इंक्रीजिंग, एक होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होगा डिक्रीजिंग। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, हाँ बच्चा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, केवल इंक्रीज कर रही है। जैसे इंक्रीजिंग आ जाए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चा ग्राफिकल सॉल्यूशन ये जाएगा, देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है मगर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो ये है। सेम प्रोसेस अगर हम पूछें स्ट्रिक्टली मींस डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग के ग्राफ के लिए ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, पहले डिक्रीज किया फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज किया फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज किया फिर कांस्टेंट हुआ, एंड सो ऑन। ये जो जब हम बोलेंगे कांस्टेंट हो गया तो ये लाइन जो होगी ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुकी होगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो ये बच्चा केस चल रहा है किसका, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा। अभी देखो हम लोग यहां पर आ गए हैं, तो यहां से अभी आपको पता चल चुका है कि dy/dx क्या है बच्चा, ग्रेटर देन 0 है। क्या ये इक्वल 0 कभी हो सकता है, तो आप जवाब देंगे सर 3 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी भी इक्वल 0 नहीं होगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, ये बच्चा क्या इंप्लाइज कर रहा है, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो कर रहा है मगर ये किन पॉइंट्स पर इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो बच्चा ये इंक्रीज करेगा, और ये बच्चा पूरे रियल नंबर आर पर इंक्रीज करेगा। ये जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एक्स, इसलिए कोई बात यहाँ पर डिपेंड नहीं करती है कि ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की देखो बात करते हैं, 3 के लिए डायग्राम यहाँ पर है।
यहां से देखते हैं तो बोल रहा है साइन एक्स, साइन एक्स एक केसेस में और बनता है, मैंने बताया नहीं है, चलो अभी समय मिलेगा तो फिर बताते हैं, ठीक है। एक केस होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक केस इसी में होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सवाल ये होता है कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी वैल्यूज जाएंगी, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एक काम करते हैं यहीं पर अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसी जगह पर अडॉप्ट करते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। दो ही आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। आउटपुट नंबर वन में कभी ऐसा हो जाए कि यहां से जो अभी जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूं उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर कभी भी क्रिटिकल पॉइंट कॉम्प्लेक्स में आ जाए, किस में आ जाए, कॉम्प्लेक्स में, तो फिर ये जो आउटपुट होगा ये कभी भी नाइदर मींस ये आउटपुट कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं जाएगा, ये जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसी में एक दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में कभी भी ऐसा हो जाए कि गिवेन इंटरवल, क्या कहा, गिवेन इंटरवल के अंदर जो सिस्टम होगा वो सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही प्रॉपर्टी को साइमल्टेनियसली होल्ड कर ले जाए, तो फिर ये भी सिचुएशन आइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अभी अगर इस केस की बात करें तो 0 से पाई बाय 2 पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, साइन एक्स है, बिल्कुल सही है। पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये भी सही है। अब फिर 3 पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई की बात करते हैं तो ये फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम तुमसे पूछे 0 से 2 पाई पूरा बताओ, तो 0 से 2 पाई पर अब इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों प्रॉपर्टीज आ चुकी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर, हालांकि थर्ड का जो है बच्चे ये देखो आपके सामने ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ये ग्राफिकल सॉल्यूशन था इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एफ एक्स की उसने वैल्यू दे दी है बच्चा, क्या दे दी है, साइन एक्स हमने जनरेट किया, एफ डैश एक्स क्या जनरेट हो गया, कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट ए, आउटपुट नंबर ए, व्हेन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल की बात की जा रही है। अब बच्चा 0 से 90 के बीच में जब बात करेगा तो 0 से 90 के बीच में कॉस कैसा होता है, बच्चा होता है कॉस पॉजिटिव, तो यहां से हमको पता चल गया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्या कभी इक्वल 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसको हिंदी बोलते हैं निरंतर वृद्धिमान, इसको हिंदी बोलते हैं निरंतर वृद्धिमान, ये है वृद्धिमान, ये है अचर फलन, ये है निरंतर ह्रासमान और ये है ह्रासमान, तो हिंदी भाषी छात्र छात्राएं भी समझने की कोशिश करेंगे। देन x belongs to 0 to pi by 2 तो अभी आपको समझ आ रहा होगा f dash x is greater than 0 इस इंटरवल पर। दिस इंप्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग, क्या कहा, fx इज इंक्रीजिंग, बल्कि यहां पर एक वर्ड लगा दिया जाए स्ट्रिक्टली, strictly स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बच्चा कहां पर इंटरवल आपको मेंशन करना मस्ट होगा, 0 टू पाई बाई 2। इसी केस में दूसरा केस ले लेते हैं, ऑप्शन मींस पार्ट बी, जिसमें वो बोल रहा है पाई बाई टू टू पाई, क्या बताएंगे, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू पाई, क्या कहा, पाई बाई टू टू पाई। अब अच्छा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि इस कंडीशन में एफ डैश एक्स जो होता है वो कैसा हो चुका होता है, निगेटिव हो चुका होता है। कॉस का ग्राफ आपको कई बार देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर फिर एक बार कर रहा हूँ, कई बार आपको सिखाया भी है, 0 से पाई बाई 2 तक ये देखो पॉजिटिव है, जबकि पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक तो देखो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में बन रहा है, मतलब ये नेगेटिव है। हालांकि ग्राफ थ्योरी पर अभी कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ग्राफ थ्योरी से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देखो यहाँ से जनरेट होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब बच्चा ये है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां पर इंटरवल आप जरूर मेंशन करेंगे, 0 टू पाई। अब देखो इसी में तीसरा पार्ट बोले 0 टू पाई, अब 0 टू पाई को जब हम डिस्कस करते हैं 0 टू पाई के बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो 0 टू पाई पर हम आंसर देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आप बताते भी यही है, सिंस द सिस्टम कंटेन्स दी बोथ प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली इन 0 टू पाई बाय 2 एंड देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। तो देखो यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस रहे ये तो वो क्वेश्चंस आ गए जिसमें कि आपको ये जैसे आपका क्वेश्चन था रियल नंबर आर के लिए जिसमें टाइप टू, देखो ये वाला रियल नंबर आर के लिए, तो जिस तरीके का एक्सप्रेशन दिया होगा जिस तरीके में जिसमें आप डिफरेंशिएट करने पर ओवरऑल आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा फ्री फ्रॉम एक्स होगा, फ्री फ्रॉम एक्स होगा या फिर वहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, दोनों ही चीजें। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जिसमें कि हमको क्या करना है इंटरवल फाइंड आउट करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अभी इस सेकंड क्वेश्चन में क्या था, उसने आपको इंटरवल दे रखा था, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको इंटरवल देगा नहीं बल्कि आपको इंटरवल खुद फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चा अभी क्या करते हैं कि ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है।
इसको भी बच्चे यहाँ से हटा देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और फिर देखते हैं आज की क्लास में इंटरवल किस तरह से निकालते हैं। देखो इंटरवल की जो बच्चे ये थ्योरी चल रही है, ये इंटरवल की थ्योरी बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसको जनरेट कर लेंगे। इसके लिए बस बच्चा अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, हालांकि डिलीटेड सिलेबस में था, लेकिन उसके बाद भी मैंने लीनियर इनइक्वालिटी आप सभी लोगों को पढ़ाया था। तो अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी मेरे मेथड से आती होगी तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। और अगर आपने वो मेरा तरीका नहीं सीखा तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम बार बार बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, डेरिवेटिव इक्वल जीरो, इक्वल वाली तो कहीं बात ही नहीं आती है, तो लेस देन वाली बात आ जाती है। ये दोनों ही केसेस हम लोग सीख करके, तो लीनियर इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी की डेफिनेशन ही होती है कि जो इक्वल नहीं है वही क्या है, इनइक्वालिटी है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर में कोई खास दम नहीं है, बस हमें नॉलेज होना चाहिए किसका, हमें नॉलेज होना चाहिए इंक्रीजिंग एंड हमें नॉलेज होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटी का। चलिए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कई पार्ट्स दिए गए हैं, तो फिर कोई भी एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलो पार्ट ई डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट ई देखते हैं बच्चा क्या है। कहा जा रहा है fx इक्वल x प्लस वन टू दी होल पावर थ्री x माइनस वन टू दी होल पावर थ्री। हाँ बच्चा, यहां तक तो देखो समझते हैं, समझने की बच्चा कोशिश करेंगे। ये हमारे पास रहा fx। अब देखो बच्चा, हमने क्या जनरेट किया, एफ डैश एक्स जनरेट किया, कुछ कम ठीक लग रहा है। हाँ एफ डैश एक्स, यहां पर बच्चा लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इतनी तो बात समझ आती है। दोनों से देखो कुछ कॉमन हो रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक काम करो बच्चा, यहां से देखो फिर से कुछ कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है वो मेंशन कर देते हैं। एक तो बच्चा थ्री भी कॉमन हो रहा है, ये थ्री भी कॉमन हो रहा है, थ्री को भी कॉमन कर लिया। अब यहां से देखने को मिलता है एक्स प्लस वन, ये पूरा कैंसिल कर देगा, इसकी एक पावर कैंसिल कर देगा, प्लस यहां से देखने को मिलेगा एक्स माइनस वन। क्या मेरी इतनी बात समझ पाए, तो थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर आफ्टर देन टू एक्स, ये आउटपुट आएगा। वन से वन बच्चा कैंसिल हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। यहां पर लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। लीनियर इनइक्वालिटी अगर कॉपी ना बिछी हो तो उसको उठा करके देख लेना, वहां पर तुमको देखने को मिल जाएगा, मैंने इसी प्रोसेस से वहां पर भी पढ़ाया हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो कर देते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर या तो डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता या फिर जीरो हो जाता है, दो में से कोई भी एक केस। यहाँ पर डिफाइन ना होने की तो कोई बात ही नहीं है, तो जीरो ही हो सकता है। हमने क्या किया, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड टू एक्स, इन सबको इक्वल कर दिया जीरो के, तो यहाँ से तीन आउटपुट हमें देखने को मिलते हैं, माइनस वन, जीरो, प्लस वन। ये जो एक्स की वैल्यू आएंगी इनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर पर ही रखोगे, किस पर रखोगे, असेंडिंग ऑर्डर पर रखोगे। क्या मेरी बात समझ पाए, इसके बाद तुमको क्या करना है, सिंपली एक लाइन खींचना है, यहाँ से ये लाइन आई, शायद दिखेगा नहीं क्योंकि ग्रीन मार्कर है, चलो ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लाइन। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इन नंबर्स को प्लॉट कर देना है, कहां पर, इसी रियल लाइन पर। यहां पर आ गए, ये माइनस वन रहा, ये जीरो रहा, और बच्चा ये रहा प्लस वन, ठीक है। कुछ इस तरह से आप पिलर्स बना लेंगे, और अब तुमको क्या करना है, एट एक्स इक्वल, ठीक है। देखो बच्चा, जब माइनस वन से छोटा नंबर कोई भी एक ले लो, कोई भी एक माइनस वन से छोटा जो तुम्हें अच्छा लगे, हमने ले लिया माइनस का टेन, क्या ले लिया, माइनस का टेन। अब तुम्हें क्या करना है, ये रिजल्ट उठाना है और इस रिजल्ट को इसके अंदर रख देना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो थ्री टू जा बच्चा कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो ये शायद अभी थोड़ा देखने में ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो ये देखो आउटपुट हमारे पास आया, तो यहाँ पर भी एक काम करते हैं, इसको 6x ही लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगेगा, अभी सही है बच्चा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये माइनस टेन उठाना है, लाकर के इस बॉडी के अंदर रख देना है, ध्यान से समझते रहना। ये देखो रिजल्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर जब हम माइनस टेन पुट करते हैं तो ये ओवरऑल रिजल्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो।
यहां से माइनस वन से जीरो के बीच में एक नंबर ले लिया, माइनस वन से जीरो के बीच में माइनस का हाफ ले लिया, माइनस का हाफ जब रखते हैं तो देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये वाला हो जाएगा निगेटिव। मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू पर एफ डैश एक्स क्या हो चुका है, लेस देन जीरो हो चुका है। एट जीरो से प्लस वन के बीच में वन बाई टू नंबर ले लिया तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देखो ये दो से तो कोई मतलब ही नहीं है, इन दो से बच्चा कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल इस x से यहाँ पर है। हम चाहते तो सीधे भी रख सकते थे, लेकिन ये एक जनरल एल को बता रहे हैं, ये हमेशा काम करेगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। यहां से बच्चा जो हमने ले लिया एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, इस सिचुएशन में जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर वन से बड़ा नंबर टू ले लिया तो इस सिचुएशन में भी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये बच्चा जो अभी हमने किया इसको हम बोलते हैं प्लॉट द पॉइंट्स, इसको बोलते हैं प्लॉट द पॉइंट्स ऑन आर एंड कंफर्म दिस साइन। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं इसी के बाद से। यहां से जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यूजिंग यूजिंग नहीं नाउ प्रिपेयर साइन चार्ट। क्या कहा, प्रिपेयर साइन चार्ट। अच्छा जैसे हमने साइन चार्ट को बनाया, इसी माइनस वन के नीचे माइनस वन आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, प्लस वन के नीचे प्लस वन आएगा। अब तुमको क्या करना, ये देखो पॉजिटिव यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, तो बच्चा ये निगेटिव के लिए ये देखो इस तरह से मैंने शेडेड कर दिया है। ये कहाँ तक जा रहा है बच्चा, ये माइनस वन तक जा रहा है। क्या वैल्यू हमारी जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसलिए इस पॉइंट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस बच्चा अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइन की। तो पॉजिटिव साइन के देखो ब्लू कलर से मैंने ट्रेस कर दिया है, ये देखो। तो ये सब बच्चा जितना भी आउटपुट अभी आपको देखने को मिल रहा है ये सब किस तरीके का, ये सब पॉजिटिव हो चुका है। ये वाला रीजन रहा निगेटिव, ये वाला रीजन रहा पॉजिटिव। इस सिचुएशन से हमको देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग साइन चार्ट। क्या लिखते हैं, यूजिंग साइन चार्ट, यूजिंग साइन चार्ट। साइन चार्ट से हमको पता चल रहा है बच्चा, क्या पता चल रहा है कि जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑन कहां पर, कहां पर बच्चा पॉजिटिव है, जीरो से प्लस इंफिनिटी। साथ ही साथ एफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो कहां पर, ऑन कहां पर बच्चा, कहां पर, तो हमें देखने को मिल रहा है ऑन जीरो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ये बच्चा जो जीरो होगा ये क्लोज इंटरवल पर रहेगा, और आप जानते हैं कि इन्फिनिटी के साथ में कभी भी क्लोज इंटरवल इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कभी भी आप क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसके साथ में, इन्फिनिटी के साथ में। हालांकि बुक्स में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन वो थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, मिसप्रिंट है, सोल्यूशन में कभी भी इन्फिनिटी के साथ में क्लोज इंटरवल अप्लाई नहीं होगा। तो फिलहाल बच्चा ये आपके पास रहा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। मुझे नहीं लगता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीज में और कोई क्वेश्चन यहाँ पर बच रहा है, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा परफेक्शन के बाद में आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। जैसे कि अगर थोड़ा सा परफेक्शन होगा तो इन दोनों को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, सिंपली एक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्स का जो पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, तो मतलब जीरो से प्लस इन्फिनिटी ये बना देगा इंक्रीजिंग, और इससे नीचे ये बना देगा डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए? आगे बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा इसके नीचे स्टेटमेंट लिखा जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफएक्स इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इंफिनिटी एंड एफएक्स इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जीरो एडॉप्टेबल होगा। बच्चा सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करने हैं, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस करने लायक बच भी रहा है। सारे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रियल लाइन रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम दोनों को एक ही जगह पर लाना होगा, तभी तुम इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हालांकि वीडियो में देखना, जो कंप्यूटराइज वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता रखी है और इस क्वेश्चन को वहाँ डिस्कस भी किया हुआ है। तो बच्चा अभी क्या करना है कि इसको कंप्लीट करना है, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।